तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन शायद तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे दूसरी तरीके से समझाना आता है। बस बस, आज नहीं आ पाता है, आज नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको, एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। परंपराओं की दुहाई देती है ना, तो ये सुनिए, परंपराएं हमारी पहचान होनी चाहिए, पहचान मिटाने के लिए नहीं। धिकार है उन परंपराओं का जो हमसे जीने का अधिकार छीनती है। झांसी की होने वाली रानी का निर्वासन झांसी भी नहीं मान रही, ऐसा तूफान पहली बार देख रहा हूं। चलो मंजी। वो देख सके ना दर्द किसी का, सह नहीं सकती अत्याचार, दया का सागर दिल में बहे और आंखों से छलकता प्यार। मंजरी, तुम उस पालकी में जाके बैठ जाओ। अब हमें चलना चाहिए, मौसम कुछ ठीक नहीं है। बाबा, हम पालकी में नहीं मारतंड के साथ जाना चाहते हैं। बताइए क्या शर्त है आपकी? हम चाहते हैं महाराज कि आप एक दिन का निर्जल व्रत रखें। हमें आपकी शर्त
मंजूर है। हम गंगाधर राव नेवलकर मणिकर्णिका से विवाह करके उसे झांसी की महारानी बनाने का हमारा निर्णय है, बदलते हैं। और दंड स्वरूप मणिकर्णिका को अभी के अभी झांसी से निर्वासित करते हैं। झांसी की महारानी की जय, झांसी की महारानी की जय, झांसी की महारानी की जय। अरे काका, ये अब झांसी की महारानी नहीं है। इन्होंने अपराधियों को भगाया और महाराज ने इन्हें झांसी से निकाल दिया। इनका दुर्भाग्य तो देखो, महारानी बनते बनते रह गई। दुर्भाग्य इनका नहीं, झांसी का है। झांसी को इनसे बेहतर महारानी नहीं मिल सकती। झांसी की महारानी की जय, 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 झांसी की महारानी की जय। Stop that bloody idiot! झांसी की महारानी की जय, 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 झांसी की। बता रही है कि झांसी का समय बदलने वाला है, पर मुझे तो प्रलय के संकेत नजर आ रहे हैं महाराज। हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सच में प्रलय आने वाली है? विद्रोह की संज्ञा दी जा रही वो हमारा कर्तव्य था और इसलिए हमें कोई पश्चाताप नहीं। जाते हुए पैरों के उल्टे निशान, ये तो अशुभ संकेत है। आसमान रो रहा है। इस
धरती की दुर्दशा पर बिन मौसम तूफान संकेत है प्रलय का। प्रलय जब आता है तो वो परिवर्तन लेकर आता है। हवाओं ने अपनी दिशा बदल ली, अब दशा बदलेगी, परिवर्तन होगा, परिवर्तन बहुत परिवर्तन होगा, भाग्य बदलेगा। जय मां काली, जय शक्ति रूपिणी, जय शक्ति रूपिणी, जय शक्ति। बॉर्डर दर्द के कारण मैं बिन पानी की मछली की तरह झटपटा रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ महारानी रमाबाई की आत्मा मेरा पीछा करती। रमाबाई और उनके नवजात बच्चे की हत्या की है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। हे देवा, ये अभी अभी हमने क्या सुना? हे देवी माँ, ये तेरी कैसी लीला है? इधर हम झांसी छोड़कर जा रहे हैं और आपने हमें इतनी बड़ी सच्चाई से अवगत करा दिया, क्यों? Thank you.
नारी हो तुम, उस देवी का रूप हो, जगाओ अपने अंदर की शक्ति रूपणी देवी को, कर दो दुष्टों का नाश। बाबा आपने ही तो परीक्षा के घड़ी में हमें सही मार्ग दिखाया था। सही मार्ग दिखाना हमारा कार्य धर्म है और उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कार्य धर्म है। हमारे दिखाए हुए मार्ग पर तुम पूरे आत्मविश्वास से चली, हम गौरवान्वित हुए। किंतु आज ये तुम किस दिशा में जा रही हो? जिस दिशा में हमें हमारा भाग्य ले जाना चाहता है। तुम्हें इतना सामर्थ्य है कि तुम भाग्य को दिशा दिखा सको, फिर इस विपरीत दिशा में क्यों जा रही हो? जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर लेकर जाएगा। अपनी मिट्टी से अपनों से दूर जाके किस प्रकार करोगे तुम उनकी रक्षा? पर बाबा हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं, विवश हैं। महाराज ने इस विवाह को ठुकराया और दंड स्वरूप हमें झांसी से निर्वासित कर दिया, निर्दोषों की जान बचाने का दंड। और तुमने पूरी झांसी को ही दंड दे दिया। आओ, मैं तुम्हें झांसी की सच्चाई से अवगत कराता हूँ, किंतु इन हवाओं के शोर के बीच नहीं, एकांत में देवी की शरण। मनु कहीं दिखाई नहीं दे रही? तात्या जी बोलो बंजी, मनु को कहीं देखा क्या? इस तूफान में कुछ भी देख पाना और समझ पाना असंभव था। आप चिंता ना करें, मनु यहीं आसपास ही होगी। पर दिखाई नहीं दे रही, आप लोगों ने हमारी मनु को देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। मनु, मनु, मनु! लगता है मैं अलग दिशा में जाकर उसे तलाशी। मनु! ये पहली बार नहीं है जब झांसी पे समस्या के बादल मंडरा रहे हैं। सदियों पहले अतथाइयों ने झांसी में प्रलय मचा दिया था, तब यहां की स्थान देवी देवी को अपने भक्तों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं तलवार उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ बाबा? रणभूमि में देवी की तलवार तब तक चलती रही जब तक अतिथियों के दल का प्रत्येक शीश उसके घर से विलग नहीं हो गया। देवी के पश्चात इस तलवार को चाह कर भी कोई नहीं उठा पाया। जो कोई इस तलवार को उठाने में सक्षम होगा उसका भाग्य स्थान के भाग्य से ऐसे मिल जाएगा जैसे चंदन और पर। धन्य हो देवी,
धन्य हो। नड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब नड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब नड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी।